वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है आपके फिजिक्स के क्लास पे होगा, ठीक है। और इसमें बेसिक चीज़ें ली जाएंगी जी, ठीक है। क्या होता है, हम लोग हाई चीज़ों को तो पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम कभी कभी भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते। और हमारे एग्ज़ाम में आपको हम बता दें क्या होता है, जो पेपर बनता है 50% तो बेसिक चीज़ें होती हैं, 50% एडवांस होती हैं, उसमें से 10% होती है जो हमको पहली बार दिखती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है बेसिक से थोड़ा चीज़ों को लेकर के, थोड़ा जो चीज़ें अभी तक हम फिजिक्स में पढ़ते लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते, और अगर पेपर में पूछ लिया तो फिर हमको आता नहीं, ठीक है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है 10-15 मिनट लंबी हो, लेकिन आपको इसमें बहुत मतलब बेहतरीन चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि वास्तव में आप कुछ देख रहे हो या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कि निर्वात में, अच्छा प्रकाश वर्ष क्या कहलाता है, पहले हम लाइट ईयर की बात कर लेते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। निर्वात में प्रकाश द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या प्रकाश दूरी कहा जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 9 × 10⁵ मीटर की दूरी तय करता है, यानी इतनी होती है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁵ मीटर, यानी 9.46 × 10⁻²⁰ किलोमीटर। दोस्तों, ये तो देखो हमारा एक बेसिक चीज़ थी, इसको हमने उसे कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट शुरू होता है पारसेक से, ठीक है। देखो पारसेक हमारा क्या होता है, ठीक है, पहले हम बात करते हैं पारसेक होता क्या है। पार सेकंड का संक्षिप्त रूप पारसेक होता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार सेकंड किसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, तो पार सेकंड का संक्षिप्त रूप हमारा पारसेक होता है, ठीक है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है जो एक सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शित करती है, ठीक है, या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है जो कि एक सेकंड चाप का लंबन प्रदर्शित करती है। एक पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.08 × 10⁻⁶ मीटर, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम की हम बात कर लेते हैं। प्रकाश पैरा बैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य की अभिव्यक्ति एंगस्ट्रॉम में की जाती है। इसे प्रायः a⁻⁰ मतलब a⁻ ऐसे करके इसे दर्शाया जाता है, थोड़ा सूचित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 a = 10⁻⁰ मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं खगोलीय मात्रक क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष में तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है, और एक खगोलीय मात्रक जो हमारा एक वर्ष में पृथ्वी द्वारा सूर्य के बीच की औसत दूरी 1.496 × 10⁻¹ मीटर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सौर दिवस सोलर डे क्या होता है हमारा। जब सूर्य प्रकाश से सीधे ऊंचे बिंदु पर होता है तो उस समय को मध्याह्न कहते हैं। दो क्रमागत मध्याह्न के बीच के समय अंतराल को सौर दिवस कहते हैं, ठीक है, और एक मध्य सौर दिवस बराबर होता है क्या 86,400 सेकेंड, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिए, खासकर आप नेवी का जो एग्जाम होने वाला है अभी कोस्ट गार्ड का, उसको उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य सौर दिवस कितने बराबर कितने सेकेंड के इक्वल टू होता है 86,400 सेकेंड, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है हमारा फैदम। तो फैदम का पहले यूज़ क्या है, ठीक है, इसका यूज़ हमारा किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट यानी 1.828 मीटर, ठीक है, और एक केबल इक्वल टू होता है 100 फैदम। नेक्स्ट हमारा आता है समुद्री मील न्यूक्लियर माइल, इनका प्रयोग समुद्र में दूरी मापने में होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1882 मीटर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं परमाणु के नाभिक की रचना, परमाणु के नाभिक की संरचना, वह नाभिक में उपस्थित कणों न्यूट्रॉन प्रोटॉन के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन का अध्ययन जो है नाभिकीय भौतिकी के अंदर किया जाता है। अब इसके बाद आता हमारा रेडियोलॉजी, विभिन्न विकिरणों व रेडियो एक्टिव पदार्थों वह मानव शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन जो है हमारा रेडियोलॉजी कहलाता है। अभी आपको लग रहा है कि इसका यूज कैसे, अभी आपको जो क्वेश्चन बनेगा इसे पूछ लिया जाएगा नाभिकीय भौतिकी किससे संबंधित है, या फिर पूछ लीजिएगा रेडियोलॉजी से आप किससे संबंधित है, तो उसमें चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मानव शरीर से संबंधित, रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित, ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो रेडियोलॉजी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से संबंधित, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब मेट्रोलॉजी क्या होता है हमारा, धातुओं की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी में हमारा धातुओं की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है।
और फिर मेटलर्जी में क्या होता है, धातुओं के अयस्कों व धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातुओं के अयस्क और उनके निष्कर्षण का अध्ययन किया जाता है मेटलर्जी में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट कीमोमेट्रिक्स। कीमोमेट्रिक्स हमारा क्या होता है, रसायन विज्ञान की समस्या का गणितीय समाधान का अध्ययन कीमोमेट्रिक्स में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, एट परमाणु इक्वल टू हमारा होता है एक रजक कण, एक रजक कण बराबर होता है हमारा एक लिखा, और एक एट लिखा इक्वल टू होता है वन न्यूकाम मध्य, और एट न्यूकाम मध्य मीन्स होता है एक यू मध्य, और एट यू मध्य इक्वल टू होता है हमारा एक अंगुल। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। और एट अंगुल इक्वल टू होता है एक धरुर मुष्टि, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब अगला हमारा आता है एम्पीग्राफी, इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एम्पीग्राफी में हमारा शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स, इसमें अंतरिक्ष से यात्रा संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसमें अंतरिक्ष से यात्रा संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, रेडियो रसायन, इसके अंतर्गत रेडियो धर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियो धर्मी विकिरणों व उसके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रकाश रसायन, इसके अंतर्गत पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न खनिज उपयोग, मतलब खनिजों का अध्ययन किया जाता है, जो हमको पृथ्वी से प्राप्त होने वाली खनिज हैं उसका अध्ययन हमारा प्रकाश रसायन में किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हेलोग्राफी, इसमें लेजर किरणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो लेजर हमारी किरणें होती हैं उसका अध्ययन जो है हेलोग्राफी में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है द्रव्यगतिकी, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल दब और उसकी ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। द्रव्यगतिकी मतलब जो द्रव पर काम करने वाली ऊर्जा होती है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोफोनिक्स, ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन जो है हाइड्रोफोनिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए चल रहा है क्योंकि इसमें पूछा जाता है, आपको पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोफोनिक्स में क्या क्या होता है, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट द्रव्यस्थितिकी, स्थित द्रवों में बल दाब व उनके प्रभाव का अध्ययन जो है हमारा द्रव्यस्थितिकी में किया जाता है। हमारा आता है काइनेथिक्स, शरीर की भाषा बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन किया जाता है हमारा काइनेथेनिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ओरोलॉजी, पर्वतों की उत्पत्ति का जो अध्ययन हमारा किया जाता है ओरोलॉजी में किया जाता है। और आता है हमारा सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन जो है किया जाता है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है, पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है सेनिलोलॉजी, चंद्रमा की संरचना व गति का अध्ययन जो है हमारा सेनिलोलॉजी में किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है साइबरनेटिक्स में क्या होता है हमारा विभिन्न प्रकार की तंत्रों में होने वाली प्रक्रियाओं व नियंत्रण प्रक्रिया विधि को अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनोलॉजल, इसमें समय व अवधि का अध्ययन किया जाता है, क्रोनोलॉजल में समय व अवधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइबोनोलॉजी, इसमें सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हीरोलॉजी, इसके अंतर्गत हमारा सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब इस नेक्स्ट हमारा आता है निम्न ताप की, इनके अंतर्गत निम्न ताप वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जो पदार्थ होते हैं रक्तहीन सर्जरी वगैरह वगैरह का जो है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिस्टोलॉजी, यह एक प्रकार के प्रौद्योगिकी, इसमें यानी परमाणु की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टोलॉजी में हमारा क्या होता है, परमाणु संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए, क्रिस्टोलॉजी में परमाणु संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है हमारा पदार्थों के वर्णक्रम उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी पदार्थों के वर्णक्रम और आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, इसमें स्पेक्ट्रोग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और आता है लास्ट हमारा आता है रियोलॉजी, इसके अंदर पदार्थ के विरूपण और उनके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, क्या होता है, पदार्थ के विरूपण और उनके प्रवाह का अध्ययन हमारा रेडियोलॉजी में किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही होगा, ठीक है, और ये फिजिक्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको इसको देख के जाइए क्योंकि आपके पोस्ट कार्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के अगर आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।